बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक और वीडियो के साथ आपको चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का जो मेथड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये जिस बंदे के भी हाथ लगेगा तो वो कभी इसको शेयर करने का सोचेगा नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कहेगा बस मेरा भला हो और किसी और का भला ना हो। लेकिन चूंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जब भी मेरे पास कोई ऐसी चीज आई है या मैंने समझने आजाद की है तो मैंने आपके साथ लाजमी वो शेयर की है। इसी तरह ये चीज भी आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं। इसमें मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि जी अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे कोई मसला नहीं, वो भी आएंगे। अगर आपके पैसे नहीं बन रहे तो डेफिनेटली आज के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने एक दफा भी जो है वो पेमेंट रिसीव नहीं की, इस मेथड को जब आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 30 दिन के बाद जनाब पहली दफा जिंदगी में आप जनाब ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे और उसको निकलवा भी सकेंगे। लेकिन मसला थोड़ा सा ये है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको पता है कि उनको जब शेयर करते हैं तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो यहां पर छोटी सी एक ट्रिक ये है कि मैं जो कहूंगा सम टाइम वो मैं कर नहीं रहा हूंगा, तो आपने इतना इंटेलिजेंट अपना जो आपका दिमाग है उसको इस्तेमाल करना है कि मैं यहां पे बेसिकली आपको मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा हूं। कोशिश करूंगा कि हर चीज जो है वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको इससे 100% जो है वो फायदा हो। सिर्फ आपने क्या करना होगा, एक तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, दूसरा जनाब आपने क्या करना होगा इसको कंप्लीटली सुनना होगा। चूंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी टेक्निकल बातें होती हैं जिनको मैं ग्राफिकली आपको नहीं समझा सकता, मैं वो आपको बता सकता हूं और इस वीडियो में मैं आपको लाजमी बताऊंगा। इस वजह से वो हजरात जो वीडियो को स्किप करके मेन पॉइंट पे चले जाते हैं और जिनका मकसद है कि पकड़े और आगे बेचें, उन तमाम भाइयों के साथ मैं अर्ज कर दूं कि अगर आप इन केस इसको बेच भी देते हैं और अगर आप मेरी बातें सुनते नहीं, आगे बताएंगे नहीं, तो ये चीजें जो हैं ये उस तरह वर्क करेंगी नहीं कि जिस तरह इनको करना चाहिए। मेरे पास जिस तरह वर्क कर रही है मैं वो चीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसको पर्सनली मैंने खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और मुझे इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हुआ है। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, अभी आपको सिखाता हूं ये जबरदस्त सा मेथड। देखिए मोबाइल स्क्रीन पर हम आ गए हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास एक ब्रांड न्यू नोकिया का मोबाइल है जो कि नोकिया 5G सेट है। और मजे की बात क्या है कि जी देखें जी, इस वक्त इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फिलहाल मैंने कोई भी जो है सिम कार्ड वो भी इसमें अभी तक नहीं डाला। तो ये अब आप समझ जाएं कि आपने क्या करना होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहला स्टेप जो आप लोगों ने करना होगा वो क्या है, वो आपने ये करना है जी, आपने सबसे पहले जो है अगर तो आप ऐसा हैंडसेट यूज कर रहे हैं कि जो कि पुराना है और आप चाह रहे हैं कि आप उस पर ये वर्क करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने जनाब क्या करना होगा, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जनाब आपने ये ऊपर जो सर्च का बटन होता है यहाँ पर आना है और आने के बाद आपने यहाँ पर जनाब रीसेट जो है ये आप सबको पता होगा कि जनाब रीसेट जो है ये क्या सीन होता है, तो आपने रीसेट का जो ऑप्शन है वो देख लेना है। और ये बटन पे देखें जैसा कि ये जो अगर आप तो सैमसंग यूज कर रहे हैं तो उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन आपने क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉटम पे जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको आपने क्लिक कर देना है। मींस कि आपने मोबाइल को बिल्कुल फ्रेश कर लेना है, रेज ऑल कर देना है। तो जनाब अब मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा था, तो इस वजह से ये पहला स्टेप है जी जो आप लोगों ने करना होगा। ये जैसे ही आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद जनाब इस स्क्रीन को जनाब मैं कर रहा हूं क्लोज। नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना होगा वो ये होगा जी, आपने आना है जनाब, जैसे ही आपने फॉर एग्जाम्पल रीसेट कर लिया अपना मोबाइल, उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो है जी आपने आना है, और आने के बाद आपने स्टार्टिंग में जब आपके पास यहाँ पे गूगल शुगल का ऑप्शन आता है तो वहां पे आपने बिल्कुल भी वो नहीं लगाना, स्किप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद जब स्क्रीन आपके पास मेन आ जाए तो देन जनाब आपने इस मजेदार से फोन में, अगर आपका सैमसंग है तो वो, मेरे पास जो नोकिया है तो इस फोन के अंदर जनाब उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखें ये पासवर्ड एंड अकाउंट्स का एक ऑप्शन है और यहां पर मैंने उसके बाद जीमेल सेट कर लिया था, आपने भी अपना जीमेल इस तरह सेट कर लेना है। ये दो काम जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद जनाब अगला काम आपने क्या करना होगा, आपने सिंपली क्या करना है जनाब, आपने यू जाना है और यहां पर आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सैमसंग के जो यूजर हैं उनको पता होगा प्ले स्टोर कैसे ओपन करते हैं। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे सर्च पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं आपने ये लिख देना है एज इट इज, ठीक है जी। ये जो मैंने लिखा है जी ये आपने लिख के
ये जनाब सर्च के बटन पे, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया हूँ, ये मैंने हटाया और ये मैंने अगेन दोबारा लिखा। और ये देखें, ये जो मैंने लिखा है जी, यही सेम आपने लिखना है टॉप पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद बॉटम पे देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला आपने अपने पास जो है होना चाहिए। मेरे पास ये जो जबरदस्त सेट है, इसके अंदर ये जबरदस्त चलता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, ठीक है जी। जब ये आपके पास हो जाए, उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। देखें जी, जैसे ही आपके पास ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका आ रहा है। ऑलरेडी मेरे पास देखें यहाँ पे ऑन है, तो आपने क्या करना होगा, ये देखें इसमें कुछ जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं एड शेड, तो इसको आपने क्लोज कर देना है। ये साइड पे दो बार जो है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे एक मजे की चीज ये है, ये पहला ऑप्शन किल स्विच, इस पर आपने आना है। ओपन एंड्रॉइड सेटिंग, मेरे में ये कह रहा है, हो सकता है सैमसंग अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है कुछ और ऑप्शन हो, तो यहां पर सेटिंग के बटन पे आपने क्लिक किया, तो यहां पे ये दोनों ऑप्शन जनाब आपने ऑन कर लेने हैं अपने पास, जो भी आप हैंडसेट यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। ये थोड़े से इसमें मसाइल हैं कि इसके अंदर ये फ्री वर्जन में ये वाले मामला आते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको आपने इग्नोर करना है। अच्छा जी, ये दो जब आपके पास ऑन हो जाए तो उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगेन वही चीज आ गई है, मैं थोड़ा सा अपना हाथ आगे कर देता हूं ताकि ये जो मामलात है ये हमारे पास ऑप्शन अभी आएगा, आ तो गया है लेकिन ये अभी ये सॉरी ये हो गया जी स्किप, वापस आया जी बैक पे। अब ये देखें, यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है, यहां पे आपने क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये बहुत ज्यादा लोकेशन जो है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी इस वक्त, ठीक है जी। अब यहां से आपने कोई भी एक जो है वो उस पर आपने इक्तफा कर लेना है, आपने कहना है भैया ये ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने जो इक्तफा किया वो मैंने इक्तफा किया इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे 01, ये मैंने जनाब कहा जी भैया यहाँ पे मामला ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें वही मामला दोबारा हो गया। तो मैं अगेन क्या कर देता हूँ इसको, ये मैं जनाब इसको क्लोज कर रहा हूँ, और ये यहाँ से मैंने इसको कर दिया ऑन। अगेन आपको बताया था कि इसमें ये वाला मामला जो है ये आता ही आता है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल जैसे ही ये देखें यहाँ पे स्किप का ऑप्शन तो आ गया है और ये हो भी गया, और ये मैंने जनाब इसको बंद कर दिया, ये देखें ये हो गया ऑन, ठीक है जी। अब जनाब अगला स्टेप आपने क्या करना होगा, इसको आपने कर देना है क्लोज, ये भी हो गया क्लोज। अब जनाब यहां तक तो मामला हो गया कंप्लीट, अगला जो सेटिंग आपने अपने पास लगानी है, आपके पास जनाबे वाला ये जो चीज है ये ऑफ होनी चाहिए, ठीक है जी। ये वाली चीज आपके पास ऑन नहीं होनी चाहिए, अगर ऑन है तो आपने इसको बंद कर देना है, ये हो गया जनाब चौथा काम आपके पास। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, अगेन आपने सेटिंग में जाना है, और यहां पर जाके सर्च में ये टॉप पे आपने इस जगह पे जनाब क्या लिखना होगा, इस जगह पे आप लिखेंगे REG, ये आप लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपने क्या करना होगा, यहां से जनाब आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आपने क्या करना होगा, जो मेरे लिखा आ रहा है यही चीज आपके पास यहां पे लिखी आनी चाहिए, ये वाली, ठीक है जी, ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जनाब यहां से टाइम जोन जो है जो आपने वहां पे उस सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट किया हुआ था, अभी आपको दोबारा से बता देता हूं कि क्या सिलेक्ट हुआ था। ये दोबारा से हमने इसको ओपन किया और यहां से हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या ओपन किया हुआ था। देखें जी, ये दोबारा से कोई मामला आ गया, ये देखें ये आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको नाम, यही सेम नाम जनाब आपका इस जगह पे जो यहां पे मैंने हाइड की थी ये ऊपर आ गई और ये मैंने सेलेक्ट कर दी, ठीक है जी। ये सेटिंग यहां पे कंप्लीट हो गई, जैसे ये सेटिंग यहां पे कंप्लीट हो जाए उसके बाद जनाब ये मैं बैक आया, अगेन बैक आया। अब यहां तक मामला हो गए कंप्लीट, सारी की सारी आपकी जो सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहां से ऑनवर्ड आपने क्या करना होगा, आप अगेन उसी तरह एप्स में आएंगे और यहां पे शहजादे को आपने ओपन कर लेना है। जब आपके सामने ये ओपन हो जाए तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं आपके पास जब ओपन हो तो होगा फर्स्ट टाइम, तो आपने लगाया होगा तो मे बी इस तरह ना आए, क्योंकि सर्च हिस्ट्री अब फर्स्ट टाइम आप जब करते हैं तो उसके बाद से वो कहता है कि जी पहले कुछ ना कुछ करें, तो उसके बाद जो है वो होगा। तो खैर बहरहाल, अब जनाब अगर तो आपने कभी जो है वो प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं की, तो आपको प्लेलिस्ट लाजमी क्रिएट करनी है अपने चैनल पे, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे तो फिर आपको फायदा इसमें ज्यादा होगा और ज्यादा आपके लिए चीजें इजी होंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करवाने के लिए चेक करवा देता हूँ, देखे जी ये देखे फॉर एग्जाम्पल, अब जो मेन चीज है जो आप में से ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, तो ये क्रोम पे में आया। अब क्रोम पे आके थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो मामलात हैं वो कैसे हैं।
तो ये वाली एक वेबसाइट है, ये आपको मामला बता देती है। तो ये मैंने अभी आपके सामने ओपन कर ली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, गौर व फिक्र कीजिएगा इस पे। ये देखें, ये नो है, नो नो नो, तीनों नो है। नीचे आप देख सकते हैं जो आपके पास यहाँ पे स्कोरिंग आ रही है वो 100% आ रही है। मींस के यहाँ पर जो मामलात हैं वो ज़बरदस्त हैं। अगेन रीलोड करके आपको दिखा रहा हूँ एक दफ़ा फिर। ये भाईजान कोई आपको करके नहीं दिखा सकता, ना कर सकता है। आपको पता है कि आजकल जो हालात वाक़ चल रहे हैं उसमें ये चीज़ करना जो है वो बड़ी ही जो है वो समझ लें कि रोले वाली बात है, ये होता ही नहीं आपसे। ये देख लें, यहाँ पे आपको 100% स्कोर मिल रहा है, ठीक है, फुल ऑन, एवरी थिंग इज़ गुड। ठीक है जी, इसको मैं वक्ती तौर पे कर रहा हूँ जी क्लोज। ये मैंने क्लोज कर दिया। और अगेन वो जो मैं शुरू में बता के आया था, जो कहूँगा उस पर गौर कीजिएगा, घुमा फिरा के कहूँगा। ठीक है जी, अब ये देखें जी, यहाँ पे आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि भैया जो है ना प्लेलिस्ट वो क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, तो उसमें आपकी कामयाबी जो है ना वो बड़ी जल्दी होती है ज़बरदस्त तरीके से। तो मैंने चूँकि क्रिएट की हुई है, तो मैं आपको जनाब सिंपली यहाँ पर जब आप आते हैं और अगर आप ये जो पहली कीवर्ड है इस पर आप सर्च कर लेते हैं जी, जो मैंने लिखा हुआ है मनीटैक डायरेक्ट लिंक, तो ये अगर आप करेंगे तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि वहाँ पे आता हूँ, ये लिखता हूँ, और लिखने के बाद जनाब आपको थोड़ा सा ये टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। उसके बाद ये प्ले ऑल का ऑप्शन होता है, शफल का ऑप्शन होता है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने जनाब ये देखें यहाँ पर ये कर दिया। अब जैसे ही मैंने कर दिया तो देखें यहाँ पर वो प्रॉपर एक चीज़ आ गई मेरे सामने। इसको मैं नन ऑफ द अबव करके ये सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपने टिक मार कर देना। टिक मार करने के बाद आपने इसको बड़ा कर देना है और दैट्स इट, इतना आपने काम करना होगा। इसको आपने यू करके आपने स्क्रीन को फुल कर लेना है। ये स्क्रीन फुल होगी, देन आपने जनाब क्या करना है, इसको सो ऑन जनाब। ये मतलब मामला जो है वो आपके इस तरह चलते रहेंगे और इजीली आपको कोई और काम करने के लिए आप जाएं, दही लेने जाएं, कुछ भी करें, दूध लेने जाएं, इंजॉय करें, डिनर करें, मतलब फिरते तुरते रहें, मतलब मामला पीछे चल रहे हैं, आपको कोई परवाह भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपली ये मतलब किसी और का है, इसको फिलहाल वक्ती जो है वो मतलब जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे, देखें साइड पे ये मामला चल गए हैं ना, ये आप देख रहे हैं, टाइमर आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये देखें ये टाइमर आ रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ। ये देखें बॉटम पे ये वाला मामला भी जो है ना चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर ये वाला काम आपने नहीं करना, मतलब यहाँ पे जो मामला होते हैं ना कि लोग कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे आपने करना है, हिट करना है, क्लिक करना है, ये वाला मामला मैं नहीं, नहीं सॉरी, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसका आपने ख्याल करना है, ये आपने बिल्कुल हरगज नहीं करना, ठीक है जी। तो ये आपको बता रहा हूँ मामला, ये कुछ इस तरह से मामला है, इन मामला पे आपने 100% अमल करना है। दोबारा से जल्दी जल्दी अगर कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि भैया सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके यहाँ पर आपने रीसेट करना है, और यहाँ पर ये रीसेट का ऑप्शन आ गया। ये देखें जी यहाँ पे गए, और ये देखें ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको आपने कर देना अगर फर्स्ट टाइम आपके पास मोबाइल है। अगर आपका मोबाइल जना फ्रेश है, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, फिर जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी आप कह रहे हैं भैया, तो ये आपने करना पड़ेगा आपको ये वाला, ठीक है। उसके बाद टॉप पे जनाब ये यहाँ से ऑफ होना चाहिए, ठीक है जी, नंबर टू हो गया। उसके बाद जनाब इसके अंदर जो है, देखिए कितनी मजे की बात है, मैंने ये हैंडसेट लिया और मैंने इसके अंदर मैंने जनाब सिम कार्ड इन डाला, तो ये कितनी मजे की बात है। तो आपने भी जो है अपनी मर्जी से कर लेना है, लेकिन मतलब अगर मैं जो कह रहा हूँ तो आप उस हिसाब से चलें तो वो जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा ये हो गया तीन काम। अच्छा उसके बाद बैग जाना है, बैग जाने के बाद जनाब आपने अगेन जो है उसमें प्ले स्टोर में जाना है। ये आप प्ले स्टोर खोलेंगे, यहाँ पे सिंपली आप इधर आएंगे सर्च में, और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लिखना होगा ये जो मैं लिख रहा हूँ। तो जब ये लिखेंगे तो सबसे पहले ये वाला आएगा, तो आपने गौर कर लेना कि ये जो स्क्रीन आ रही है ना, ये आपने इंस्टॉल मार लेना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, ओपन के बटन पे क्लिक कर दिया। ये देखें ये अभी स्क्रीन जो है मेरे सामने ओपन हो गई, ये देख रहे हैं ये जनाब स्क्रीन आ गई। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, और देन जनाब मैंने यहाँ से ये एक टारगेट कर लिया, ठीक है। टारगेट जो है वो मेरा ये वाला शहर है जी, तो मैं यहाँ से इसको ये ऑन कर लिया। और इसमें थोड़ा सा ये इस तरह के मामला आते रहते हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। तो सिंपली क्या करते हैं कि इसको जनाब ये यहाँ से क्लोज हो सकता है, और ये यहाँ से ऑन हो जाएगा, तो अगेन ये दोबारा आ जाएगा आपको तंग करने के लिए। तो ये इसका कोई मसला नहीं है, ये अनलिमिटेड मतलब क्रिएट करता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये पीछे चल रहा है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे सर्च जो होगा, अगर आपके पास सैमसंग है, मेरे पास नोकिया है, तो मैं यहाँ पे आरईजी लिख रहा हूँ, तो आपने रीजन में जाना है। तो देन यहाँ से जाके आपने ये कर लेना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये हो गया ज़बरदस्त। और उसके बाद आपने जो वहाँ पे टारगेट किया हुआ था, आपने यहाँ से वही सिलेक्ट कर लेना। देखिए दोनों काम हो गए। उसके बाद जनाब इसको आपने हाइड कर लिया। उसके बाद देन जनाब आपने इन मोहतरम के पास वापस आ जाना है, और वापस आने के बाद यहाँ पर जो है वो सारे मामला आपने लगाए होंगे। सिंपली उसी तरह मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ उसी तरह। ये देखें यहाँ पर अगर इस तरह आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, बजाय नाम के। तो देखें मैं भाई आपका हर जगह ही तकरीबन होता है अवेलेबल, तो यहाँ पर ये लिखें तो फिर भी आपका भाई आपको नजर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये आपका भाई आपको नजर आ रहा है। तो सिंपली आप जब यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ,
तो ये अभी अभी आप देखेंगे, ये देखें ये आ गया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो नहीं भी आया तो कोई इतनी मसला नहीं, ये देखें बॉटम पे यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं, लेकिन इन पे आपको मैं मतलब कह रहा हूँ कि आपने इस पे नहीं करना, आपने इस पे नहीं करना, आपने सिंपली जो है इसको चलने देना है। बेस्ट वे जो मैंने आपको बताई है वो बताई है कि यहाँ पे सिंपली आएँ और अपने जो आप जो भी चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी है उसमें अगर आप प्लेलिस्ट अपनी बना लेते हैं तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज़बरदस्त मोबाइल है यार, ये क्या बात है इसकी। ये देखो मैंने ये लिखा तो मैंने ये ऑलरेडी अपना वो बनाया हुआ था, तो सिंपली ये आया, इस पर मैंने क्लिक किया तो क्या बात है जी, ये देखें यहाँ पे ये प्ले और ज़बरदस्त यार, कितना ज़बरदस्त फीचर है मेरे मोबाइल में। ये देखें यहाँ पे सिंपली ये हो गया, उसके बाद ये देखें इसको, ओ ज़बरदस्त यार, ये देखो जी ये ऑन हो गया और ये हाईलाइट हो रहा है, क्या बात है। इसको आपने लाजमी करना है, चूंकि उसके बाद आप चाय पीने, कॉफ़ी पीने या पकौड़े खाने जाएंगे तो ये पीछे मामला चलते रहेंगे, क्या बात है जी। ये देखें इस तरह चल गया, उसके बाद जनाब आपने बीच बीच में आना पकौड़े शकौड़े खा के घंटे दो घंटे बाद, तो आपने सिंपली आ गए यहाँ पे, एक दफ़ा यूँ कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, उसके बाद इधर फिर उधर फिरते जाएँ घंटे दो घंटे बाद, नहीं सिर्फ पाँच दो चार मिनट के बाद ही आपने वापस आ गई, दोबारा यूँ कर देना है, ज़बरदस्त। और आपने कुछ नहीं करना होगा, सिंपली इस तरह करने से जनाब जब आप देखेंगे 24 घंटे ये मामला चल जाएंगे और इस तरह के मामला हो जाएंगे तो भैया आप जो है वो बहुत जल्द माला माल होने वाले हैं। दोबारा से एक दफ़ा यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सिंपली आए और यहाँ पर ये देखें, ये मोहतरम को मैंने किया और ये दोबारा से किया और अभी आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या बात है भैया। ये देखें जी मेरे मोबाइल का जो स्कोर आ रहा है इस वक्त वो कह रहा है जी 100/100 स्कोर आ रहा है, ठीक है। जो मामला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गौरतलब चीज़ें हैं, सब कुछ जो है वो हो जाता है, लेकिन वो हनी सिंह वाली बात है कि ये करके दिखाओ तो ये करके दिखाओ। मैथड हो गया जी यहाँ पे कंप्लीट, और अभी जैसा कि पहले आपके साथ मैंने शेयर किया था कि भैया लाजमी कंप्लीट देखना और कंप्लीट सुनना है, उसकी रीजन ये है कि जो जो बातें बताई हैं उन्हीं पर अमल करना है आपने, आपका जो जाती दिमाग है जो आपका आईक्यू है वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए होते हैं मसाइल पैदा, फिर आप कमेंट में आके गिले मुझसे कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने जो मैंने आपको बताया है वही आपने करना है, उसमें रत्ती बराबर भी आपने खुद से कुछ नहीं करना। दूसरा जनाब, आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी फौरन से पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपने लाजमी वापस आके सब्सक्राइब करना है। तो बजाय कि आप दोबारा से वापस आके सब्सक्राइब करें तो आप फौरन अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका वो टाइम बच जाए, और वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो की अब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, आप इसको बार बार देखेंगे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक और जबरदस्त मैसेज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह देगा।